जो क्राइम है तो सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे, और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? कल में दिखाया जा रहा है पुलिस मुकदमा दायर कर रही है, उनके खिलाफ पुरानी कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर है उसके बावजूद अगर अभी वो अंडर ट्रायल है, आपने मुकदमा किया है उनका ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट साबित करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। आप उनके घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे तो केजरीवाल जी भी घोटाले के अंदर जेल के अंदर है। आपकी हिम्मत है इस पूरी बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की हिम्मत है केजरीवाल का भी बुलडोजर चला के दिखाए? तो ये भेदभावपूर्ण रवैया जो है बहुत बहुत निंदा है। कानून से देश चलता है, बाबा साहब के संविधान से इस देश चलता है, लेकिन संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। सर नोटिस दिया गया, ये कहाँ गया? उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है, जो आदमी का नाम बताया जा रहा है वो जेल के अंदर है, उन्हें कितने नोटिस प्राप्त हुए, तहसीलदार की जो कार्रवाई जो हुई है उसकी पत्रावली निकलवाई जा रही है, और निश्चित रूप से उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा और जवाबदेही देनी पड़ेगी। बाबा साहब का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नंबरदार हो, और चाहे वो कोई चोर उचक्का हो। इसमें अपराधी की कोई 1% भी अपराधी के साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन आप उसको ट्रायल का मौका तो देंगे, आप उसको भी बाद में मौका देंगे, फिर कोर्ट किस लिए बने हैं? आप जो है पैरों में गोली मार रहे, आप उनको थाने से ले जाकर बाहर सड़क पर ले जाकर उसके पैर तोड़ रहे, ये कौन सा न्याय है? लेकिन और इस तरह के जो क्राइम है तो सभी जाति के लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? कल जो कार्रवाई हुई वहां पुलिस वाले थे, और जब लोग उनसे मना कर रहे थे उन्होंने कहा और दीजिए कांग्रेस को वोट, बुलाइए अपने कांग्रेस के नेताओं को, आपके साथ ऐसा ही होगा। ये किस प्रकार का अत्याचार है? तो आपके माध्यम से ये सारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा हक नहीं है, क्या ये पुलिस इसी तरह हमारे साथ भेदभाव करेगी? कई प्रशासन दलाली और इस ठेकेदारी का अड्डा बन जाएगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसका संज्ञान लें, हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे जिले के, हमारे लिए गौरव की बात है, भरतपुर का आदमी आज प्रदेश का मुखिया बनाए।